जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आई एम डॉक्टर मोहम्मद अवैस एंड आई एम अ वेटरनरी डॉक्टर। तो टुडे आई विल डिमॉन्स्ट्रेट फिज़िकल एग्जामिनेशन ऑफ अ काउ। जी जो हमने फिज़िकल एग्जामिनेशन करना है किसी भी एनिमल का, तो उसमें गोल्स क्या क्या हैं? एक तो आ गया उसका कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ सिक एनिमल, आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ सिक एनिमल, ट्रीटमेंट ऑफ अ सिक एनिमल एंड टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ द डिजीज़ फ्राम इन्फेक्टेड एनिमल टू अदर एनिमल्स, टू प्रोटेक्ट द फूड सप्लाई टू कंज्यूमर्स एंड द एनिमल वेलफेयर। ये जो हैं इसके गोल्स हैं। एक एनिमल है रेस्ट्रेंड फार्म में, सबसे पहले किसी भी एनिमल का हमने अगर उसका ऑब्जर्वेशन करनी है, उसका फिज़िकल एग्जामिनेशन करना है, तो सबसे पहले हमने एनिमल को रेस्ट्रेंड करना है। कि जो हमने ऑब्जर्वेशन करनी है एनिमल को टच करने से पहले पहले, कि एक डिस्टेंस से हमने एनिमल को देखना है, उसकी जो सिमेट्री है, उसका जो बॉडी स्कोर है, उसका स्टैंस और उसकी जो बॉडी कंडीशन है, और उसकी बॉडी के ऊपर कोई इंजरी वगैरह या ट्रॉमा वगैरह है, तो हमने दूर खड़ा होकर एनिमल को ऑब्जर्व करना है। अच्छा जी, फिज़िकल एग्जामिनेशन में हमने सबसे पहले क्या करना है कि इसकी जो हार्ट रेट है वो हमने नोट करनी है, वो थ्रू हम स्टेथोस्कोप करते हैं। काओ का एल्बो जॉइंट बन रहा है, उसके बैक साइड से हम जो हार्ट रेट है वो नोट कर सकते हैं। जो एक नॉर्मल जो काओ है, हेल्दी काओ है, उसकी जो नॉर्मल हार्ट रेट होगी वो होगी 70 से 80 पर मिनट। अच्छा, इसके बाद हमने जो लंग्स है उसकी साउंड, जो नॉर्मल और अब नॉर्मल साउंड हैं, वो हम सुन सकते हैं थ्रू स्टेथोस्कोप। तो एरिया हमने कौन सा इधर से चूज़ करना है, अगर लंग्स की आपने साउंड सुननी है एक एनिमल में, तो ये एरिया उसका ट्राइंगुलर ऐसे बनेगा, ये ऐसे, इस एरिया में हम उसको जो लंग्स की ऑस्कल्टेशन है वो हम कर सकते हैं। लंग है, नॉर्मल लंग्स की जो साउंड है वो है वी ही साउंड। अगर उसमें कोई डिस्टरबेंस हो रही है या उसकी रेस्पिरेशन, एक्सपायरेशन और इंस्पायरेशन में को डिस्टरबेंस होगी, तो वो हम इधर से फील कर सकते हैं। एक नॉर्मल और हेल्दी एनिमल है, उसके रिफ्लेक्सेस होंगे वो बिल्कुल एक्टिव होंगे। ये जो उसके ईयर हैं उससे हम चेक कर सकते हैं, उसकी आईज से। अगर सपोज उसमें डिहाइड्रेशन है तो उसकी आईज संकन होंगी, या कोई और डिजीज़ है उसमें आई का कलर वगैरह चेंज होगा, पिंक आई में इधर जो वाइट कॉर्नियल ओपेसिटी, तो ये जो मज़ल है इसका मज़ल ड्राई होगा। अगर एनिमल का मज़ल ड्राई होगा तो वो सपोज के एक डिजीज़ कंडीशन में है। हेल्दी एनिमल का वो वेट होगा, ये एनिमल का जो मज़ल है वो बिल्कुल वेट है, और इसके मुंह में कोई किसी किस्म की सेलिवेशन नहीं हो रही। अगर सेलिवेशन हो रही हो तो वो एक अबनॉर्मल कंडीशन है, किसी भी स्टोमाटाइटिस के केस में या FMD के केस में या HS के केस में मुंह से ड्रोलिंग वगैरह होती है, उसमें फॉर्म वगैरह निकलते हैं, मुँह से सलाइवा वगैरह निकलता है, तो ये एनिमल बिल्कुल हेल्दी है, इसके मुंह से कोई भी अब नॉर्मल सेक्रेशंस नहीं आ रही। इसका जो मज़ल है वो बिल्कुल वेट है, आईज़ हैं, आईज़ में रिफ्लेक्स है कॉर्नियल रिफ्लेक्स, ये उसके ईयर तो वो नॉर्मल रिफ्लेक्स है, मतलब कि ये जो एनिमल है हमारे पास खड़ा ये हेल्दी है, इसमें नॉर्मल रिफ्लेक्स मौजूद हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं रिमन के ऊपर, ये एक पैरा लंबर फोसा है, पैरा लंबर फोसे में हम रिमन फील कर सकते हैं। तो जो रिमन की जो नॉर्मल मोटिलिटी वो 3 मिनट में 2 उसकी मतलब फ्रीक्वेंसी होती है, तकरीबन अगर हम बात कर लेते हैं कि 1.5 मिनट में 1 उसकी जो मोटिलिटी आएगी। ये पैरा लंबर फोसा, ये एनिमल क्योंकि थोड़ा सा हेल्दी है, इसमें पैरा लंबर फोसा इतना ज़्यादा विजिबल नहीं हो रहा, तो पैरा लंबर फोसा में हम रिमन को हल्का सा इधर से प्रेस करेंगे, तो प्रेस करने से हमें उसकी जो उसकी मोटिलिटी है, जो उसकी कंट्रैक्शंस हैं वो हमें फील होंगी। अच्छा जी, अब हम इसके जो प्री फिमोरल लिम्फ नोड्स है वो इधर से हम पल्पेट करेंगे, और उसके अलावा इधर होंगे प्री स्कैपुलर लिम्फ नोड्स, स्कैपुला के बिल्कुल आगे। अगर इसमें सपोज के जो लिम्फ नोड्स हैं वो स्वॉलन हो जाते हैं, वो बड़े हो जाते हैं प्री फेमोरल और प्री स्कैपुलर लिम्फ नोड्स अगर वो स्वॉलन हो जाते हैं तो वो एक लिम्फोमा डिवेल्प हो जाता है, बोवाइन लिम्फोसार्कोमा, लिम्फोमा एसोसिएटेड विद बोवाइन लिम्फोसार्कोमा वो डिवेल्प हो जाता है। असल में हम डिहाइड्रेशन स्टेटस कैसे चेक करते हैं, एक तो हम उसका स्किन टेंटिंग टेस्ट करते हैं, उसकी स्किन को हमने इधर से पकड़ लेना और उसको दोबारा छोड़ देते हैं,
ये हमने पकड़ा और ये छोड़ दिया। अगर ये एज सून एज पॉसिबल क्विकली अपनी नॉर्मल पोजीशन पे आ गया तो इसमें डिहाइड्रेशन नहीं है, ये देखें। तो अगर ये सपोज के हमने इसको स्किन को टेंट करके छोड़ा तो वो आस्ता आस्ता अपनी पोजीशन पे आया, तो मतलब कि उसमें डिहाइड्रेशन है। इस एनिमल का हाइड्रेशन स्टेटस बेहतर है, बिल्कुल ज़बरदस्त है। और उसके बाद हम एनिमल का जो डिहाइड्रेशन स्टेटस वो कैसे चेक करते हैं, उसकी आईज से चेक करते हैं। ये जो आईज हैं इसकी बिल्कुल नॉर्मल है। अगर आईज उसकी संकन हो जाती हैं और जो मज़ल है उसका वो ड्राई हो जाता है तो एनिमल के डिहाइड्रेशन स्टेटस में है, एनिमल में हाइड्रेशन की कमी है और वो डिहाइड्रेशन स्टेट में चला। अच्छा जी, इसके अलावा हम इधर से लेफ़्ट एब्डोमिनल डिस्प्लेसमेंट भी चेक कर सकते हैं। जो लेफ़्ट एब्डोमिनल डिस्प्लेसमेंट है वो हम थ्रू पिंच टेस्ट करते हैं, तो उसमें हमें जो साउंड्स हैं वो फील होंगी। तकरीबन ये 11 से 13 रिब तक हम जो उसकी जो लोकेशन है, अगर हमने लेफ़्ट एब्डोमिनल डिस्प्लेसमेंट को डायग्नोज करना है तो वो 11 से 13 रिब तक हम चेक करते हैं। तो उसको हमने कैसे चेक करना है, उसको हमने इधर से या तो अपनी मतलब फिंगर से उसको पिंच करना है, ये आ गया उसका लेफ़्ट एब्डोमिनल डिस्प्लेसमेंट। हमने कैसे चेक करना, एग्जामिनेशन में हमने एनिमल सारे एनिमल को चेक करना, उसका जो अडर है उसके ऊपर कोई स्वालिंग वगैरह है या उसके जो लिम्फ नोड्स हैं चेक करने हैं, अडर उसका चेक करना उसके ऊपर कोई स्वेलिंग वगैरह है या नहीं है, और उसका मिल्क हमने चेक करना है कि मिल्क की जो कंसिस्टेंसी है वो कैसे है, उसमें कोई फ्लेक्स वगैरह हैं या मिल्क की चेंजेस हैं या उसका कलर चेंज है या उसकी कंसिस्टेंसी चेंज है। एक हो गया, ये हो गया उसका अडर टेस्ट। अडर में हम उसकी स्वेलिंग, उसके लिम्फ नोड्स चेक करते हैं, मेमोरी लिम्फ नोड्स, और उसके मिल्क चेंजेस हम उसकी चेक करते हैं जी। इसके बाद हमने एनिमल की रेक्टल पल्पेशन करनी है। रेक्टल पल्पेशन से हम क्या क्या चीज़ें चेक कर सकते हैं, एक तो हम उसका रीमन का जो स्टेटस है उसकी कंसिस्टेंसी है रीमन की वो हम चेक कर सकते हैं। उसके अलावा हम लेफ़्ट साइड पे जो लेफ़्ट किडनी है वो हम फील कर सकते हैं, और उसके अलावा जो हम नॉर्मल रिप्रोडक्टिव ट्रैक है उसमें ओवरीज हैं, उसकी यूट्रस है, यूट्राइन हॉर्न्स हैं, वो हम चेक कर सकते हैं। उसके अलावा उसका जो गोबर है एनिमल का, उसकी कंसिस्टेंसी, उसकी डाइजेशन वो हम चेक कर सकते हैं, उसमें डायरिया है या कॉन्स्टिपेशन है, और जो एक एनिमल मेट्राइटिस के केसेस हैं तो वो हम थ्रू उसकी वल्वा, उसकी मतलब रिप्रोडक्टिव ट्रैक से अगर कोई सक्रीशंस अबनॉर्मल सक्रीशंस आ रही हैं तो वो हम उसकी चेक कर सकते हैं थ्रू रेक्टल एग्जामिनेशन। हम एनिमल का रेक्टल टेम्परेचर चेक करते हैं, वो भी एनिमल की हम एक फिज़िकल एग्जामिनेशन का एक पार्ट है कि हमने उसका जो टेम्परेचर है वो नॉर्मल चेक करना है। तो नॉर्मल जो एनिमल का टेम्परेचर होता है वो तकरीबन 101.5 से 102.5 होता है जी। इसके बाद हम एनिमल की जो रेस्पिरेशन रेट है वो हमने कैसे चेक करनी है, हमने अपने हैंड को उसकी नोज़ के आगे रख देना, नोस्टल्स के आगे, तो वो हमने काउंट करना कि एक मिनट में कितनी उसकी जो रेस्पिरेशन है वो कितनी आ रही है। अब एनिमल की हम रेस्पिरेशन चेक करते हैं कि उसमें कोई अबनॉर्मल रेस्पिरेशन है, उसमें कोई निमोनिया है, उसकी जो रेस्पिरेशन है एब्डोमिनल है या उसमें डिस्टरबेंस हो रही है उसकी रेस्पिरेशन में। तो जो नॉर्मल रेस्पिरेशन होगी वो तकरीबन एक मिनट में 30 टाइम्स होगी,